हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो हियर इज़ द कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 15 to 16 जून 2021। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं। ये हमारा नया कोर्स, वही कोर्स जो आरम 2021 में आपको बता रहा था, उसी को हमने एकदम प्राइस कम कर दिया। मेरे को बहुत बच्चों को डीएम आ रहे थे इस वजह से। तो अब इसमें सब कुछ इंक्लूड है, पेपर वन पेपर टू सब कुछ इंक्लूड है। ये भी प्राइस बच्चों को ज़्यादा लग रही थी, तो इसमें हमने 1000 रुपीज़ का और डिस्काउंट दे दिया। कोड यही है, शौर्य 2021। आप उधर प्रोमो कोड में डालेंगे तो आपका और 1000 रुपीज़ कम हो जाएगा। तो जो भी चाहे इसमें इनरोल हो सकता है। हमने बहुत बच्चों के डीएम आए थे कि सर बहुत महंगा कोर्स हो गया है, तो हमने अब बिल्कुल ही कॉस्ट कटिंग कर दी है। प्रॉफिट तो छोड़ दिया हमने, अपने जेब से दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। और व्हाट्सएप पे जो चुका है इंक्वायरी कर सकता है। आगे चलते हैं। G7 अकोमोडेट्स इंडिया स्टैंड ऑन नीड ऑफ इंटरनेट कब्स। तो G7 की समिट चल रही थी, आपको पता है इंडिया जो है वो G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन तीन गेस्ट कंट्रीज़ को बुलाया गया था। तो तीन गेस्ट कंट्रीज़ में कौन कौन है? एक तो इंडिया है, एक साउथ कोरिया है और एक ऑस्ट्रेलिया है। तीन कंट्रीज़ को बुलाया गया था। G7 कौन सी है? जो डेवलप्ड कंट्री है। मैं कई बार बता चुका हूँ, जूस गर्लफ्रेंड को पिलाना है, ये इसकी ट्रिक है G7 की। तो ये टोटल कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड नेशन है वो G7 में आते हैं, और तीन जो है गेस्ट कंट्री। तो अभी ये बोला गया है कि इंडिया का जो स्टैंड है, जैसे इंटरनेट कब्ज़ कर देता है इंडिया, इंटरनेट कब्ज़ कैसे करता है, जैसे हमने आर्टिकल 370 लगाया था, तो जम्मू कश्मीर में हमने जो इंटरनेट था उसको बिल्कुल शट डाउन कर दिया था। तो ये जो है एकदम सही मान रहे हैं G7 वाले कि आप अपनी देश की अगर सोवरेनिटी को खतरा है, डेमोक्रेसी को खतरा है, तो आप ऐसा कर सकते हो। ऐसे ही आपको ध्यान होगा, जब CAA वाला प्रोटेस्ट चल रहा था, NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हमने बहुत ज़्यादा जगह इंटरनेट को शट डाउन कर दिया था। तो G7 ने इस बात को माना कि इंडिया जो स्टैंड कर रहा था इंटरनेट कब से, वो हो सकता है। अब ये जो लिखा हुआ है, ये आप अपने किसी भी आंसर में लिख सकते हैं। बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा है। मतलब डेमोक्रेसी को किस किस चीज़ से खतरा है, इसमें क्लियरली लिख रहा है। आप एज इट इज़ उतार के लिखिए, डेमोक्रेसी को इन इन चीज़ों से खतरा है। वी आर एट अ क्रिटिकल जंक्चर फेसिंग थ्रेट्स टू फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी फ्रॉम राइजिंग अथॉरिटेरिज्म, अथॉरिटी से खतरा है, इलेक्टोरल इंटरफेरेंस, करप्शन, इकोनॉमिक कोएर्शन, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिस इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन हार्म्स एंड साइबर अटैक्स, पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन एंड अब्यूजेस, टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। ये पूरा एक पैराग्राफ की तरह लिखा हुआ है। इसमें क्लियरली लिख रहा है कि डेमोक्रेसी को इन इन चीज़ों से खतरा है। आप इसका कहीं पे भी जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड आर्टिकल है, जो फेडरल रिलेशन को समझाता है, जो इंडिया की सोवरेनिटी को थ्रेट करता है, आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है स्टार्टिंग के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन है एज इट इज़। तो आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। May 28 ऑर्डर हैज़ नो लिंक विद CA। तो CA क्या है? ये अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और May 28 को ऑर्डर क्या आया था होम मिनिस्ट्री का, कि हम जो भी बंदा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है? 6 कम्युनिटी जो माइनॉरिटी हैं अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम, मुस्लिमों को छोड़ के जो 6 कम्युनिटी हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये 6 कम्युनिटी अगर तीन कंट्री से आती हैं, कौन कौन सी कंट्री? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अगर इन तीन कंट्री से 6 कम्युनिटी आती हैं, तो उनको हम सिटीजनशिप देंगे। तो ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया था कि CA के लिए सब हो रहा है। तो सिंपल गवर्नमेंट ने बोला है कि CA से इसका लेना देना कोई नहीं है, ये केवल हम अपनी श्रद्धा भाव से, क्योंकि उन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसलिए हम उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। सिंपल याद रखना है आपको, 6 कम्युनिटी याद रखना है, 3 कंट्री जिनको हम सिटीजनशिप देने के लिए रेडी हो गए हैं, ये MHA का नोटिफिकेशन के जरिए हो रहा है। और इंडिया में कैसे कैसे सिटीजनशिप मिलती है भाई? नेचुरलाइजेशन, कोई यहाँ पैदा हुआ तो सर्टिफिकेशन के थ्रू भी मिल जाती है, बहुत प्रोसेस है जिनके थ्रू मिलती है, और ये एक और तरीका हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ASI मॉन्यूमेंट्स टू रीओपन ऑन 16 जून। ये न्यूज़ क्यों मैंने इंक्लूड करी? क्योंकि इसमें एक ही सवाल बनता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर कौन था? हर एग्जाम में पूछा गया है, कोई भी PSC हो, कोई भी BPSC हो, SSC हो, तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर कंगिंगम, ये इनका नाम है। पहला ASI का डायरेक्टर है, या ASI की स्थापना किसने करी थी ये भी बोल सकते हैं। तो अलेक्जेंडर कंगिंगम, बस आपको नाम याद रखना है और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे यही पूछा जाता है ASI से। दिल्ली राइट्स, 3 स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट्स गेट बेल। तो दिल्ली में जो JNU का राइट्स हुए थे, तो उनमें 3 लोगों को बेल मिल गई है। ये किस एक्ट के थ्रू पकड़े थे? ये पकड़े थे UAPA, अनलॉफुल एक्शन प्रिवेंशन एक्ट। ये होता है टेररिस्ट के लिए, जो देशद्रोह वाला काम करते हैं उन पे एक्ट लगाया जाता है। तो अभी हाईकोर्ट ने बहुत अच्छी फटकार लगाई है गवर्नमेंट को कि हमारा प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। एक बिल्कुल थिन लाइन है टेररिस्ट और प्रोटेस्ट के बीच में, आप उसको क्रॉस कर दिए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, देखिए, इनवोकिंग प्रोविजन ऑफ द एंटी टेरर लॉ अगेंस्ट द 3 अक्यूज्ड हु हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इनएक्टमेंट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नथिंग दैट द लाइन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी राइट टू प्रोटेस्ट एंड टेररिस्ट एक्टिविटी हैड बीन ब्लर्ड। तो आपने टेररिस्ट बना दिया इन 3 लोगों को, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे भाई। राइट टू प्रोटेस्ट तो हमारा अधिकार है, हमारी डेमोक्रेसी है। वैसे तो डेमोक्रेसी इज अ मिथ,
लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में हमें अधिकार मिला हुआ है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, और UAPA के बारे में याद रख सकते हैं। वैसे इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, न्यूज़ आई थी तो मैंने बता दिया। स्टेप टेकन टू टैकल फुट एंड माउथ डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है FMD। ये एक तो FMD याद रखेंगे, एक और होता है इसमें लिखा नहीं है, ब्रूसलोसिस, ब्रूसलोसिस बोलते हैं उसे। ये दो दोनों जो डिजीज़ हैं ये याद रखेंगे लाइव स्टॉक डिजीज़ हैं। लाइव स्टॉक मतलब जो पशु में जो होती हैं, पशु ये लाइव स्टॉक कौन कौन से होते हैं, हमारी गोट होती है, शीप होता है, बफेलो, काओ, ये सारे होते हैं लाइव स्टॉक। तो ये दोनों जो डिजीज़ हैं, बीमारी जो है, ये लाइव स्टॉक में होती है। FMD जो है वो एक वायरल डिजीज़ है, वायरल होता है, वायरल होता है। और ब्रूसलोसिस जो है ये भी लाइव स्टॉक में होता है, लेकिन ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, ब्रूसलोई बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोनों लाइव स्टॉक डिजीजेज हैं, और इन किस किस वजह से होते हैं, और इसमें क्या होता है कि ये ह्यूमंस को भी ट्रांसफ़र होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता, लेकिन एनिमल से ह्यूमन को हो जाता है, एनिमल से ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में आने से हो जाता है, लेकिन FMD ऐसा नहीं होता है। थोड़ा डिफरेंस है, बस आपको नाम याद रखना है, किससे रिलेटेड है ये याद रखना है। आगे चलते हैं। नीडेड फुल डिस्क्लोजर ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहुत बार सवाल हो चुका है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, मैं अब इसमें नहीं जाऊंगा। क्या क्या प्रॉब्लम है ये देख लीजिए। एक तो इसमें पहली प्रॉब्लम आ रही है कि बाहर से फॉरेन फंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अनली ओनली प्रॉफिट मेकिंग डोमेस्टिक कंपनी कुड कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल पार्टी। पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हुई थी तो ये बोला गया था केवल वो कंपनी जो प्रॉफिट बनाती है वो केवल इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है कि भाई हम किसी भी पार्टी के अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, और ना बैंक वालों को बस पता होता है और उस पार्टी को पता होता है कि ये पैसा इस बंदे ने दिया है, ये लोग किसी को बताते हैं नहीं। तो ऐसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी आने लगता है। तो यही प्रॉब्लम हो रही है। पहले केवल प्रॉफिट वाली इंडस्ट्री को बोला गया था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड इशू दे सकते हैं, लेकिन अब कोई भी दे रहा है, पहली प्रॉब्लम तो ये है। ओनली द रूलिंग पार्टी SBI। हाँ, दूसरी प्रॉब्लम यही है जो मैंने आपको यहाँ बताई कि केवल SBI एक ही ब्रांच को बोला गया है जो कि SBI है, वही इशू कर सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड, बस SBI और उस पार्टी को ही पता है कि कौन पैसा कितना दे रहा है। तीसरा, इसमें हम RTI नहीं डाल सकते, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इसमें काम नहीं करता, ये तीसरा प्रॉब्लम है। तो मेनली तीन प्रॉब्लम है इनके बीच में, इलेक्टोरल बॉन्ड के बीच में। याद रखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड केवल 15 दिन के लिए इशू किया जाता है, 15 डेज के लिए इशू किया जाता है, केवल SBI इशू करती है क्वार्टरली। वैसे फरवरी और मार्च के महीने में ज़्यादा इशू होते हैं, क्वार्टरली होती है 15 दिन के लिए, और SBI इशू करती है। बस आपको दो बार याद रखना है इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू। FCI राइस टू बी यूज फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, सॉरी। तो अभी क्या बोल रहे हैं, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसने इतना टन जो स्टॉक है उसको डाइवर्ट कर दिया है इथेनॉल बनाने के लिए। इथेनॉल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें टारगेट पूरा करना है। ये टारगेट है, याद रखेंगे कि हमें 20% मिलाना है, ब्लेंड करना है इथेनॉल को किसके साथ, पेट्रोल के साथ। कब तक करना है, टू 2025। ये टारगेट को पूरा करने के लिए ये सब काम हो रहा है। तो बस आपको एक टारगेट याद होना चाहिए और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि हमें इथेनॉल के मिलाना है पेट्रोल में 2025 तक, कितना 20% ब्लेंडिंग करनी है। इस वजह से ये सारा जो राइस है इसे इथेनॉल के लिए ट्रांसफर कर दिया गया, ताकि हम इस टारगेट को किसी तरह पूरा कर सकें। अभी केवल ये 5% ही पूरा हो पाया, 5% ही पूरा हो पाया, इसलिए आगे चलते हैं। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट चल रहा था, तो हमने नेहरू रिपोर्ट को पढ़ लिया था। नेहरू रिपोर्ट जब आई तो भाई ये सब लड़ाई झगड़े हुए थे, उसके बाद गांधी जी के हाथ में आ गई दोबारा पूरी बागडोर, तो अब सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट 1930 में लॉन्च हो गया। इसी को पहली बार INC फर्स्ट टाइम जब सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट शुरू किया, तभी अंग्रेजों ने INC को पहली बार इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। याद रखेंगे, एक सवाल ये भी बनता है, INC पहली बार इलीगल डिक्लेयर कब हुई थी, तो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट के टाइम पे हुई थी। मैंने ऊपर लिखा है गांधी जी ने यहाँ पे 11 डिमांड्स रखी थी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस याद रखिएगा गांधी जी की यहाँ पे 11 डिमांड थी, डिमांड पढ़ने की जरूरत नहीं है। आफ्टर गेटिंग हार्श वर्ड फ्रॉम सेक्रेटरी टू इरविन, गांधी लेफ्ट साबरमती आश्रम। तो गांधी जी ने जब गंदे वर्ड सुने जो इरविन का सेक्रेटरी था उससे, गांधी जी ने साबरमती आश्रम को छोड़ दिया, गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रोक कर दिया। कहाँ कहाँ किन किन लोगों ने करा ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिखा है KKelappan ने केरला में ब्रोक करा था ये लॉ, राजा जी ने कोरमंडल कोस्ट पर करा था, कस्तूरबा गांधी और तैयब जी ने धरसाना सॉल्ट वर्क में करा था। तो इन तीनों का भी पूछा जाता है कि किस किस ने सॉल्ट जो लॉ ब्रेक करा था, किस किस बंदे ने कहाँ कहाँ करा, ये पूछा जाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बेरार, यहाँ फॉरेस्ट लॉ ब्रोक हो गए थे, यहाँ सॉल्ट लॉ थे क्योंकि यहाँ सॉल्ट पाया जाता था, यहाँ सॉल्ट नहीं था, यहाँ फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट लॉ को लोग ब्रोक कर दिए। बिहार में चौक, जहाँ जो चीज़ होती है, जैसे बताया बिहार में हमारे ओशियन तो है नहीं, तो वहाँ चौकीदारी लॉ को वायलेट कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ वॉयकॉट करना ही है। फिर ये पूछा जाता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस किसने बनाया था, NWFP की फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट या फ्रंटियर बोल देते हैं प्रोविंस,
ये किसने बनाया था? तो खान अब्दुल गफार खान, ये फ्रॉम खुदाई खिदमतगार थे, इनका मूवमेंट का नाम है खुदाई खिदमतगार। किन्होंने शुरू करा था? अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान इन्हीं को बोलते हैं, और इन्होंने खुद ये खुदाई खिदमतगार मूवमेंट शुरू करा था, और रेड शर्ट मूवमेंट भी इन्होंने शुरू करा था। ये दो मूवमेंट हैं इनके, अब्दुल गफार खान साहब के खुदाई खिदमतगार और रेड शर्ट मूवमेंट, इन दोनों ने शुरू करे थे। वोमेन जो औरतों हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था पर्दा सिस्टम को, और इन्हीं को खान अब्दुल गफार खान साहब को ही फ्रंटियर गांधी से बोला जाता है। इनका नाम दूसरा है फ्रंटियर गांधी, ये भी पूछा जाता है फ्रंटियर गांधी किसका नाम है, तो खान अब्दुल गफार खान का नाम जो है फ्रंटियर गांधी है। तो आप इसको पूरा ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, जो भी सवाल होते थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन में बनता है, आप पुराना पेपर देख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं पूछा गया है। तो आज की न्यूज़ सारी थी, आई होप यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे तो, वैसे तो आप खड़ते नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, ऑल्सो फॉलो स्टडी फंड ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। और जो नए बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब सो यू कैन गेट अ लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज सून एज पॉसिबल। ज़्यादा इंग्लिश हो गई तो हिंदी में बोल देता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसी हमारी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुँच जाए नोटिफिकेशन और आप उसे तुरंत देख सकें। और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज का प्यारा सा एक क्वेश्चन हाँ वो क्या पूछना डाउट हो गया, मैं आपसे पूछ गया, दो क्वेश्चन थे एक्चुअली, ठीक है। हाँ ठीक लेते हैं, आज हम ज्योग्राफी से एक पूछना चाह रहे थे और एक हिस्ट्री से पूछना चाह रहे थे। बिगेस्ट सेशन कौन सा है? बिगेस्ट सेशन ऑफ INC, सबसे बड़ा सेशन INC का कौन है और उसे किसने हेड करा था, ये भी बता सकते हैं सबसे, क्योंकि बिगेस्ट सेशन कहाँ का है वो तो पता चल जाएगा, लेकिन किसने हेड करा था वो भी आप बताइएगा। और चलिए एक ही बताइएगा हिस्ट्री का, और ज़्यादा नहीं पूछ रहे। सो टेक केयर, पढ़ते रहिए, साइनिंग ऑफ टुडे, टेक केयर, बाय बाय।